मेरे पीछे जो आप स्मारक देख रहे हैं वो विश्व के प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक के तौर पर अभी उसका अनावरण किया गया है। चमार रेजिमेंट को जो लोग थे वो ताकत का प्रतीक थे और उन्होंने बहुत ही कम समय तक ही सही लेकिन कुछ ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। चमार रेजिमेंट भारतीय इतिहास की एक ऐसी रेजिमेंट जिसके किस्से अभी भी सुनाए जाते हैं। अपनी वीरता के लिए मशहूर चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था, इतिहास में दफन कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से चमार रेजिमेंट और उसके प्रतीक जमीन फाड़ कर निकल आए हैं। मेरे पीछे जो आप स्मारक देख रहे हैं वो विश्व के प्रथम चमार रेजिमेंट स्मारक के तौर पर अभी उसका अनावरण किया गया है। और आप जो चमार रेजिमेंट का सिंबल था, जो सेना की टुकड़ी थी अंग्रेजी सेना की चमार रेजिमेंट, उसके लोगों के तौर पर, उसके सिंबल के तौर पर जो बाइसन था उसका अनावरण यहाँ पर किया गया है और नीचे द चमार रेजिमेंट लिखा हुआ है। और इसको आज यहाँ हरियाणा के हासी नाम की जगह एक बीर फार्म नाम का गांव है वहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। आप देखें बहुत ही खूबसूरत है और नीचे से इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो करीब 25 से 30 फीट ऊपर जाके ये प्रतीक यहाँ पर स्थापित किया गया है चमार रेजिमेंट का। बाइसन जो कि आप कहें कि एक भैंसा होता है उसका प्रतीक है वो चमार रेजिमेंट का, क्योंकि चमार रेजिमेंट को जो लोग थे वो ताकत का प्रतीक थे और उन्होंने बहुत ही कम समय तक ही सही लेकिन कुछ ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिसकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। तो मैं यहां पर अभी मौजूद हूं और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। जय भीम के नारों के साथ चमार रेजिमेंट के स्मारक का अनावरण किया गया है और इस अनावरण में वो लोग शामिल हैं जो चमार रेजिमेंट के सिपाही रहे थे, सैनिक रहे थे, उनके परिवार के लोग, क्योंकि वो जो सैनिक थे वो अभी नहीं रहे हैं, उन्होंने अपना कहें कि उनका देहांत हो गया है, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ शामिल हुए और उन्होंने इसको अनावरित किया है। अनावरण यहाँ पर अभी हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है, गोल्डन कलर का उस पर पेंट किया गया है और इस मूर्ति को भी यहीं बनाया है। अभी मूर्तिकार से भी हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने बनाया है और ये मूर्ति यहीं पर बनाई हुई है। ये सीमेंट से बनाई गई है, सीमेंटेड मूर्ति है और अपने आप में उस गर्व के इतिहास को, उस कहें कि वीरता के इतिहास को बताने के लिए काफ़ी है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जो इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं बना सकता, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इतिहास को जानें, अपने वीरता की कहानियों को पहचानें और उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ें। तो चमार रेजिमेंट को बहाल करने की मांग भी बड़े समय से हो रही है कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाए। बार बार सरकारें आश्वासन देती हैं लेकिन अभी तक चमार रेजिमेंट को बहाल नहीं किया गया है। चमार रेजिमेंट की छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। 1943 में चमार रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। अंग्रेज़ों ने जो टुकड़ी बनाई थी, पहले वो जो सिख इन्फेंट्री थी उसकी एक ट्रायल के तौर पर उन्होंने रखा, लेकिन बाद में उसको 1943 में एक फुल फ्लेज्ड रेजिमेंट के तौर में तब्दील किया और इसमें चमार जाति के लोगों को सैनिक के तौर पर, सोल्जर्स के तौर पर उसमें नियुक्त किया गया था। चमार रेजिमेंट को उस समय वर्ल्ड वॉर क्योंकि चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो उसमें कई मोर्चों पर लड़ाई के लिए भेजा गया, जिसमें गुवाहाटी की लड़ाई उन्होंने जीती, इम्फाल वो गए, म्यांमार में भी जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने लड़ाइयों में अपनी वीरता दिखाई और उसको फतेह किया। इसलिए जो अंग्रेज़ थे वो उससे बड़े प्रभावित हुए, चमारों की वीरता से अंग्रेज़ भी बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने चमार रेजिमेंट को जो है कई तरह के अवार्ड दिए। बैटल ऑनर ऑफ कोहिमा जैसा एक सम्मानित अवार्ड उनको दिया गया, उससे नवाजा गया और उसके बाद वीरता को देखते हुए अंग्रेज़ों ने वर्ल्ड वॉर में चमार रेजिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सिंगापुर भेज दिया। सिंगापुर में भी उनको यही जिम्मेदारी थी कि आपको हमारी तरफ से लड़ना है, लेकिन उस समय वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना INA यानी आज़ाद हिंद फौज के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत की मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय वहाँ पर चमार रेजिमेंट को भी उनके सामने लड़ाई के लिए भेजा गया। उस समय भारतीय सेना ने, जो अंग्रेज़ी सेना थी, उसने चमार रेजिमेंट के कैप्टन के तौर पर कैप्टन मोहन कुरील को नियुक्त किया था और मोहन कुरील जो कैप्टन साहब थे उनके सामने ये चुनौती थी कि क्या वो भारत में उन लोगों के लिए जो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ़ वो गोली चलाएं।
यानी भारतीय अपने ही लोगों को गोली मार दें, यह उनके ऊपर एक दुविधा का सवाल था और उन्होंने इस दुविधा का हल निकालते हुए अंग्रेजी सेना के खिलाफ बगावत कर दी और आज़ाद हिंद फौज के ऊपर गोलियां चलाने से मना कर दिया कि हम अपने देशवासियों के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि भारतीय सेना में जितनी भी टुकड़ियां थी, अंग्रेजी सेना में जितने भी रेजिमेंट थे, इकलौती चमार रेजिमेंट ऐसी थी जिसने अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह करते हुए आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और उसके बाद जो चमार रेजिमेंट के तमाम लोग थे वो आज़ाद हिंद फौज के साथ उन्होंने कोलेबरेशन्स किए और उनके साथ वो जुड़ गए और उन्होंने भारत की मुक्ति की लड़ाई लड़ी। उसके बाद आप जानते हैं कि चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया 1940 में, यानी अपने अस्तित्व के 3 साल में ही चमार रेजिमेंट ने ज़बरदस्त अपने काम को दिखाया, वीरता दिखाई और अपने आप को स्थापित कर दिया और ये बता दिया कि चमार जो हैं जो जानवर की चमड़ी छील देते थे उसी तरह दुश्मन की चमड़ी भी छील डालते हैं और अपनी वीरता के किस्से उन्होंने इतिहास के पन्नों में लिख दिए। लेकिन अंग्रेजी सेना ने उसको भंग कर दिया, वहाँ के बहुत सारे सिपाहियों को, सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया और कई लोगों को उन्होंने सजाएं दी। कैप्टन कुरील जो है उनको जेल में डाल दिया गया, फिर आज़ादी के बाद उनको रिहाई मिली, फिर वो उन्नाव की एक सीट से विधायक भी चुने गए और उस तरह बार बार वो लोग अपने किस्से बताते थे कि हमने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, अलग अलग मोर्चों पर कैसे फतेह हासिल की। लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों ने चमार रेजिमेंट को निष्कासित कर दिया था, उन्होंने उसको कहें कि बंद कर दिया था कि अब चूंकि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का साथ दिया है इसलिए इसको नहीं रखेंगे, बाद में आज़ादी के बाद ये मांग उठी कि चमार रेजिमेंट को भी बहाल किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं इस देश में कई रेजिमेंट ऐसी हैं जो जातियों के नाम से चलती हैं, लेकिन चमारों के नाम पर जो रेजिमेंट थी उसको बंद कर दिया गया था। कई लोगों ने आश्वासन दिए, जो मनोहर पर्रिकर इससे पहले हमारे रक्षा मंत्री थे उन्होंने भी ये दावा किया था कि हम इसके प्रोसेस में और बात कर रहे हैं, चमार रेजिमेंट को हम बहाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसमें बहाली नहीं हुई है, अभी तक उस इतिहास को दोबारा से स्थापित नहीं किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जाति की रेजिमेंट मांग करने की क्या ज़रूरत है, उसकी क्यों आपको ज़रूरत है? तो इसका जवाब बहुत बार इस तरह से दिया जाता है कि चूंकि बाकी जातियों की रेजिमेंट हैं और या तो भारतीय सेना में किसी भी जाति की रेजिमेंट ना हो, अगर हो तो फिर हमारी भी रेजिमेंट हो, इस तरह से ये मांग हमेशा से उठती रही है लेकिन अभी तक चमार रेजिमेंट की बहाली नहीं हुई है। लेकिन इस तरह के जो स्मारक हैं वो अपने इतिहास से रूबरू कराने की कोशिश होती है कि जब आपने इतिहास को आप देखेंगे कि आपके जो लोग हैं वो कायर लोग नहीं थे, वो लोग घबराने वाले लोग नहीं थे बल्कि साहसी लोग थे, उनके अंदर हिम्मत थी, वो अपने दुश्मन को पटखनी देने में काबिल थे, उन्होंने बड़े बड़े मोर्चे फतेह किए हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो उस इतिहास से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने इतिहास से जब आप रूबरू होते हैं तो भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश भी होती है कि हम एक समाज के तौर पर जुड़ें और अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करें। तो बीर फार्म का ये चमार स्मारक जो है ये हमेशा हमको याद दिलाएगा उन वीर जवानों की जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश को अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर हमारे देश को आज़ाद कराने की लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बलिदान पे उन्होंने बहुत कुछ न्योछावर किया और बहुत कुछ सहा भी, अंग्रेज़ों की तमाम पीड़ा भी उन्होंने सही। हमारे इतिहास से रूबरू कराने के लिए जो भी ये टीम यहाँ बीर फार्म के लोगों की हाँसी की टीम है, इनका भी शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए कि इन्होंने ये स्मारक यहाँ पर बनाया है। स्मारक के बारे में, चमार रेजिमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या नई बातें आप लोग जानते हैं, आप कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपसे अपील है कि हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।